नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? जो हमारी रिविजन्स है उसके बीच में एक ये टॉपिक है जो कि आपके रिविज़न में मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत फ़ायदा कर देगा आप लोगों को। देखिए, ये जो समय चल रहा है ये सिर्फ प्रिपरेशन का दौर है। आपकी जैसी प्रिपरेशन में दिक्कतें हो रही हैं वैसी दिक्कतें मुझे भी हो रही हैं। तो मैं जो भी कोई वीडियो बना रहा हूँ उसका मेन थीम है कि आप तक कुछ भी बेनिफिट हो जाए जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है वो मैं किसी भी फॉर्म में दे दूँ। अब ये मतलब नहीं है कि मैं किस तरह आपको पढ़ा रहा हूँ या विधिवत तरीके से फिल्म बना के मैं दूँ। इतना इस क्रूशल टाइम पे इतना ज़्यादा समय मेरे पास तो नहीं है, ठीक है। अगर फिर भी आप लोगों को लगता है कि मैं विधिवत रूप से क्यों नहीं करा रहा हूँ और मौके की नज़ाकत को देखी बिना, तो ये मुझे लगता है कि आप लोगों के लिए उपयुक्त चैनल नहीं है फिर, है ना। ये चैनल एक सिंसियर और सिंपल व्यक्ति का है जो कि ज़्यादा आडंबर में बिलीव नहीं करते और मुझे इसीलिए ऐसे कमेंट सुनने की बिल्कुल आदत नहीं है, ठीक है। जो मुझे लगता है कि मुझे सही लग रहा है या आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा, उसके अलावा और कोई मेरा मोटो नहीं रहता है। मेरे लिए बहुत आसान होता अगर मैं सिंप्लिसिटी के साथ 2 हफ्ते का ब्रेक लेता आराम से और उसके बाद आगे की चीज़ें कंटिन्यू रखता, लेकिन मुझे लगा कि लास्ट टाइम पे कुछ अगर हम करंट अफेयर्स या कुछ रिविज़न के, जैसे हम घर में रिविज़न करते हैं, जैसे हम अपने रूममेट के साथ रिविज़न करते हैं, जस्ट मैं वैसे ही कर रहा था, ठीक है। और आप लोगों को इस चीज़ का ना सम्मान करना पड़ेगा, ठीक है। अगर ऐसे कमेंट मुझे और फ्यूचर में मिलेंगे तो मैं ये रिविज़न का प्रोसेस ही बंद कर दूंगा, ठीक है। खैर, आगे चलते हैं। अभी ये मैंने बड़ी मुश्किल से कोशिश की आज बनाने की कि इंडिया का मैप जैसा भी है, थोड़ा सा कुछ 19-20 हो गया होगा, कुछ आगे पीछे हो गया होगा, उसे थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। पूरी तरह से मैंने दिखाने की कोशिश की है इंडिया के मैप में। पहले मैंने नेशनल पार्क बना दिए, कुछ टाइगर रिजर्व बना दिए। इसको आप नेशनल पार्क के टाइगर रिजर्व की तरह मत सोचिए, इसे इंपॉर्टेंट प्लेसेस देखिए जो कि हमेशा एग्जाम्स में आते हैं, ठीक है। और फिर सारे स्टेट्स में से हम देख लेंगे कौन सा स्टेट्स किस चीज़ के लिए फेमस है, थोड़ा बहुत एक कंक्रीट आइडिया मिल जाएगा हमको, है ना। तो अगर आप ये देखेंगे चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। इसमें मैंने कुछ नेशनल पार्क और कुछ अभ्यारण्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वगैरह के बारे में डिटेल दी। अगर हम जम्मू कश्मीर से चलें तो दाचीग्राम, सलीम अली जो वन अभ्यारण्य है, किश्तवाड़ और हेमिस ये लद्दाख में, ये 4 स्थान हैं जहाँ पे नेशनल पार्क और वन जीव अभ्यारण्य हैं अलग अलग, ठीक है। तो दाचीग्राम वाला तो कई बार आएगा। दाचीग्राम नेशनल पार्क कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है। सलीम अली कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है। किश्तवाड़ कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है। और हेमिस कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में, लद्दाख के क्षेत्र में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट हो गया, ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हो गई। हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालयन के नाम से नेशनल पार्क है, ग्रेट हिमालयन वृहद महान हिमालय नेशनल पार्क, ठीक है। उसके बाद अगर हम मुख्य रूप से आए उत्तराखंड में तो फूलों की घाटी बहुत इंपॉर्टेंट है, नंदा देवी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिम कॉर्बेट बहुत इंपॉर्टेंट है। फूलों की घाटी, नंदा देवी, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, नंदा देवी बायोडाइवर्सिटी पार्क भी है, ठीक है। ये रहा उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश में एकमात्र नेशनल पार्क दुधवा है, ठीक है। उसके बाद सुहाग बरका, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, सुहाग बरवा, ठीक है। राजस्थान में अगर आते हैं हम तो सरिस्का पक्षी अभयारण्य है, केवला देव, थार जो मरुस्थली एरिया नेशनल पार्क है, उसके बाद रणथंभौर टाइगर रिजर्व है, है ना। फिर भरतपुर बर्ड सेंचुरी है। उसके बाद अगर मैं मध्य प्रदेश में आता हूँ तो देश में मध्य प्रदेश में सर्वाधिक नेशनल पार्क स्थित हैं, जिसमें कि सतपुड़ा, कान्हा टाइगर रिजर्व, पंचमणी टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व। पेंच को देख के ही जंगल बुक किताब की रचना की गई थी, है ना, रुडयार्ड किपलिंग वाली। फिर पन्ना नेशनल पार्क, पन्ना टाइगर रिजर्व, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट, सिर्फ बहुत ही इंपॉर्टेंट है वही करा रहा हूँ, हैं तो 100-150, लेकिन हम उतने करीब भी कर नहीं सकते। जितने इंपॉर्टेंट है जो आ चुके हैं हम वही डील कर रहे हैं, ठीक है। महाराष्ट्र में संजय गांधी है, गोवा में भगवान महावीर एकमात्र है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कर्नाटका में बनेरघट्टा बांदीपुर, नीलगिरी जो पर्वतमाला है पूरी, वो अपने आप में जैव विविधता का एक बहुत बड़ा केंद्र है, बायोडाइवर्सिटी पार्क है वो कर्नाटक तमिलनाडु और केरला के बॉर्डर के क्षेत्र में है, जैव विविधता का केंद्र है ये। इसके बाद इंदिरा गांधी नेशनल पार्क भी है इसी क्षेत्र में, अनामलाई इंदिरा गांधी नेशनल पार्क जो कि तमिलनाडु वाले क्षेत्र में पड़ता है। फिर बीच में यहाँ मन्नार की खाड़ी है इंडिया श्रीलंका के बीच में, ये भी हमारा नेशनल पार्क है। फिर केरला में नगरहोल शांत घाटी पेरियार, ये सारे इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं जो कि सीधे सीधे जगह ही आ जाती है। पुलिकट झील, ठीक है, ये केरला हो गया। आंध्रा में गुंडी नेशनल पार्क,
आंध्रा में गुंडी नेशनल पार्क, उड़ीसा में चिल्का झील, लैगून झील, ठीक है, खारे पानी की, नंदनकानन नेशनल पार्क, नंदनकानन बाघ अभ्यारण्य, भितरकनिका, कैमूर की घाटी बिहार में है ये, सुंदरवन का डेल्टा फिर पता है आपको ना, सुंदरवन नेशनल पार्क है ये वेस्ट बंगाल में, जहाँ वाइट रॉयल बंगाल टाइगर्स पाए जाते हैं, सफ़ेद बाघ पाए जाते हैं। बिहार में एकमात्र नेशनल पार्क जो फेमस है वाल्मीकि, सिक्किम येरा कंचनजंगा नेशनल पार्क, बायोडाइवर्सिटी पार्क भी है वो ना, पिछले साल इसको विश्व विरासत स्थल में भी दर्जा मिला था। अरुणाचल प्रदेश में दिबांग दिहांग नेशनल पार्क, कामलांग नेशनल पार्क, 50वां नेशनल पार्क हमारा, सॉरी हाँ 50वां नेशनल पार्क। उसके बाद असम में नमेरी, मानस, काजीरंगा, औरंग है ना, मनेरी, औरंग, काजीरंगा, मानस बड़ा फेमस है, मानस कई बार आया हुआ है, ठीक है। दुनिया में सबसे ज़्यादा जो एक सिंग वाले जो गैंडे हैं उनका सबसे ज़्यादा हाई डेंसिटी काजीरंगा में ही है, काजीरंगा में ही ड्रोन से ही सिक्योरिटी की जाती है। फिर मेघालय में नौकरेक, मेघालय में नौकरेक, मणिपुर में सिरोय, मणिपुर में सिरोय, मणिपुर में भी में ही लोकटक झील है, वहाँ पे एक फ्लोटिंग नेशनल पार्क भी है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम आते हैं नीलगिरी वाला क्षेत्र, मैंने बता दिया बांदीपुर, पनीरगट्टा, सबसे ज़्यादा जो हाथी हैं वो कर्नाटका में हैं, गुजरात, गिरनार, नल सरोवर, वाइल्ड एस, गिरनार, नल सरोवर, वाइल्ड एस, सारे गुजरात में। अगर आप मोटे मोटा देखें तो ये चीज़ें हमारे जो नेशनल पार्क हैं या छोटे मोटे जो बर्ड सेंचुरी हैं इसमें से ही क्वेश्चन आ जाएगा, रटने को तो बहुत सारे हैं लेकिन कितना रटे हैं, ठीक है। तो अभी जो क्रूशल है, जो बोर्ड पे आ सकता था मैंने आपको वही बता दिया। इसके बाद कुछ फेमस प्लेसेस वगैरह अगर देखा जाए तो जैसे कि जम्मू कश्मीर की फ्रूट्स के लिए फेमस है, अपने सेबों के लिए प्रसिद्ध है, केसर के लिए प्रसिद्ध है ना, कुछ खनिज भी मिलते हैं पूरे हिमालयन रीजन में। हमारा जो हिमालय है कहाँ से कहाँ तक है, हमारा हिमालय यहाँ से जम्मू कश्मीर से लेके और अरुणाचल से भी कट लेके फिर अराकाम यामा कहलाता है म्यांमार तक है ना, और यही फिर अंडमान निकोबार में, अंडमान निकोबार भी अगर देखा जाए तो अराकान यामा का ही हिस्सा है, जो कि अराकान यामा भी एक प्रकार का पूर्वोत्तर हिमालय माना जाता है। ये पूरी बेल्ट कुछ खास तौर के मिनरल्स के लिए भी फेमस है। जम्मू कश्मीर में केसर मिलता है देश का 90%, पुलवामा डिस्ट्रिक्ट अकेले बनाता है वो। उसके बाद यूपी का पता है आपको, कुल खाद्यान्न में यूपी सबसे आगे है, दूध में यूपी आगे है, गन्ने में यूपी आगे है, ठीक है, चावल में वेस्ट बंगाल आगे है, ठीक है। झारखंड कोयले के लिए बहुत प्रसिद्ध है, झरिया, रानीगंज है ना, सिंहभूम, ये कोयले के प्रसिद्ध एरिया हैं। उड़ीसा लोहे के लिए बहुत फेमस है ना, ये पूरा थोड़ा ये छत्तीसगढ़, उड़ीसा और ये झारखंड वाला, ये वेस्ट ये छोटा नागपुर का जो क्षेत्र है, कौन सा है, छोटा नागपुर का क्षेत्र, छोटा नागपुर का जो पठार है ये मिनरल्स के लिए सबसे उपयुक्त पठार है। अगर लोहे की डिपॉजिट की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा लोहा कहाँ डिपॉजिट है, कर्नाटका में डिपॉजिट है। महाराष्ट्र में काजू के लिए फेमस है, सबसे ज़्यादा जो सड़कें हैं, सड़कों की लंबाई है वो महाराष्ट्र में है, सबसे ज़्यादा नेशनल हाईवेज की लंबाई उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, सबसे ज़्यादा राज्यों में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय गोवा की है, सभी जगह का मिला के यूटी और स्टेट मिला के सबसे ज़्यादा आय दिल्ली की है। उसके बाद तेलंगाना, आंध्रा बिजनेस करने के लिए उपयुक्त जगह, आंध्रा रैंक 1, तेलंगाना रैंक 2 ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में। महाराष्ट्र देश की सबसे बड़ी जीडीपी, तमिलनाडु देश की दूसरी सबसे बड़ी जीडीपी, उत्तर प्रदेश देश की तीसरी सबसे बड़ी जीडीपी, बिहार सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य है ना, सर्वाधिक घनत्व वाला राज्य। उसके बाद राजस्थान सबसे बड़ा राज्य, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या के हिसाब से, सिक्किम सबसे छोटी विधानसभा। उसके बाद सात बहनें पूर्वोत्तर का रीजन, चिकन नेक यहाँ पे है सिलीगुड़ी के पास से, जो डोकलाम वाला जो विवाद हुआ था यहाँ के आसपास। उसके बाद थार का जो मरुस्थलीय क्षेत्र है इस तरफ है, दक्कन ये हमारा बॉर्डर है, इसके ऊपर उत्तर भारत, इसके नीचे दक्षिण भारत, ये बॉर्डर कौन सा है, विंध्याचल श्रेणी है, कौन सी है, विंध्याचल और सतपुड़ा की जो श्रेणी है। उसके बाद अगर कहा जाए पूरे भारत का क्षेत्र 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर, पूरे भारत में करीब 21% फॉरेस्ट है, 21 पॉइंट समथिंग, और 2 पॉइंट समथिंग परसेंट ट्री कवर है,
तो पूरे भारत में अगर वृक्ष आवरण प्लस वन आवरण अगर देखा जाए तो 24% के आसपास है, आदर्श रूप से 33% रहना चाहिए। सर्वाधिक जो वन है मध्य प्रदेश में है, सबसे कम वन पंजाब में है। अगर हम परसेंटेज के हिसाब से देखें तो सर्वाधिक मिजोरम में है 92% के आसपास, ठीक है। और कुछ देखें, हाँ तम्बाकू सबसे ज़्यादा आंध्र में होता है। सौर ऊर्जा के लिए तमिलनाडु फेमस है, सबसे बड़ा एक सोलर पार्क वहीं लगा हुआ है, उससे बड़ा भुज में बन रहा है, भुज वाला तैयार हो जाएगा अदानी ग्रुप का, तो वो सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट हो जाएगा। उसके बाद न्यूक्लियर एनर्जी के ज़्यादातर संयंत्र साउथ में लगे हुए हैं, आपके 22 संयंत्र अब तक लगभग लग चुके हैं। भारत सबसे कम जो बिजली है वो न्यूक्लियर एनर्जी से बनाता है। उसके बाद सरदार सरोवर बांध की अभी स्थापना हुई है, जो शुरुआत हुई है वो आपका गुजरात में है, नर्मदा नदी पे है। इसके बाद नर्मदा और ताप्ती नदी दोनों जो अरब सागर में गिरती हैं, बाकी लगभग सारी बड़ी नदियाँ बंगाल की खाड़ी की ओर गिरती हैं, ठीक है। ज़्यादातर जो उत्तर भारत की नदियाँ हैं वो हिमालय से निकलती हैं, जो कि सदा नीरा होती हैं, है ना, और इस तरह पूर्व की ओर बहती हैं, बिकॉज ढाल हमारा ईस्ट की ओर है, ठीक है। और कुछ अगर हम देखते हैं तो अगर हम चाय के मामले में देखें तो असम चाय में सबसे ऊपर है, उसके बाद तमिलनाडु है, कॉफ़ी में देखें तो कर्नाटका काफ़ी ऊपर है, ठीक है। अगर हम चावल में देखें वेस्ट बंगाल सबसे ऊपर है, ठीक है। अगर हम जूट में देखें तो वेस्ट बंगाल सबसे ऊपर है। अगर हम गन्ने में देखें तो यूपी सबसे ऊपर है। सोयाबीन में देखें मध्य प्रदेश सबसे ऊपर है। चने में देखें मध्य प्रदेश सबसे ऊपर है। तांबे में देखें तो राजस्थान सबसे ऊपर है, खेतरी डिस्ट्रिक्ट। चांदी में देखें तो राजस्थान सबसे ऊपर है। हीरे में देखें तो मध्य प्रदेश सबसे ऊपर है। उसके बाद केले में देखें तो आंध्र तमिलनाडु सबसे ऊपर है। उसके बाद कुल अगर फूलों में देखें, फ्लावर्स में, तो कर्नाटका सबसे ऊपर है। सब कुल सब्जियों में देखें तो वेस्ट बंगाल सबसे ऊपर है। उसके बाद सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश में। और कुछ ठीक है, इतना रखते हैं। उम्मीद करता हूँ कि कुछ छोटी मोटी चीज़ें जो आपको आती होंगी वो रिवाइज होती होंगी, ठीक है। थैंक यू।